अस्सलाम वालेकुम, होप सो कि आप खैरियत से होंगे। रिसर्च असिस्टेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनकी डेट जो है वो आ गई है। वो 18 दिसंबर को टेस्ट होगा और इसमें जो टोटल एप्लीकेंट हैं वो हैं 3444, ठीक है। और इसमें जो सीट्स थी वो 11 थी, जिसमें 1 जो है वो एक कोटा की थी और 10 जो है वो ओपन मेरिट में है, ठीक है। तो 18 दिसंबर को आपका टेस्ट होगा। इसके लिए देखिए, हमारे सामने कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है जिसकी बेस पे आपको बता सके ये एग्जैक्ट ये क्राइटेरिया टेस्ट का, लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है। चूँकि डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट है तो आपको चाहिए कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशंस वगैरह हैं। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री। ये जो 4 से 5 एरियाज हैं इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और बाकी जनरल केमिस्ट्री जितनी भी है आप लोगों ने ज़रूर गो थ्रू करनी है, ठीक है। आपके पास 16 से 17 दिन हैं तो एफर्ट करें, मेहनत करें। बहुत अच्छी, यानी 10 सीटें होती हैं, बहुत ज़्यादा हैं एक अंदाजे के मुताबिक जो हमारे हालात हैं। तो ज़रूर तैयारी करें, और जो आप लोगों ने ड्यूरिंग लेक्चरर की प्रिपरेशन के दौरान चीज़ें स्टडी की थी, ऑब्वियसली मेंशन उन्होंने यही किया है कि जस्ट लाइक लेक्चरर की तरह का ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन कुछ एरियाज़ को आप ज़्यादा फोकस कर लें, बाकी सेम एज़ इट इज़ वही चीज़ें रिवाइज़ करें। और ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होगी चीज़ों को रिवाइज़ करने की। तो बेस्ट ऑफ लक।